थाना थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कंट्रोल गाड़ी से तस्करी कर लिए जा रहे 30 गोवंश को बरामद किया है, जिनमें बताया गया है कि 2 दर्जन से अधिक गोवंश की मौत हो चुकी है। वहीं बताया गया है कि नेशनल हाईवे पर पुल का निर्माण होने के कारण भारी जाम लगा हुआ था, जिसमें कैंटर गाड़ी जाम में फंसी हुई थी। तभी गाँव गड़ी रोसू के समीप स्थानीय लोगों को ज्ञात हुआ कि कैंटर में कुछ भरा हुआ है। इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और खोलकर देखा तो उसमें गोवंश द्वारा हुआ था, जिस पर पुलिस ने उसको बरामद कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और मृत गोवंश को जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर दफनाया जा रहा है।